आज ही के दिन 1804 में फ्रांस के सम्राट के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट की ताजपोशी हुई थी। पूरे यूरोप पर फतह हासिल करने वाले नेपोलियन को शासक पोप पायस सप्तम ने ताज सौंपा, जिसे नेपोलियन ने खुद अपने सिर पर सजाया था। 1790 के दशक में फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आर्मी में बहुत तेजी से नेपोलियन का कद बढ़ा। 1799 में यूरोप के ज्यादातर देशों के साथ लड़ाई छिड़ी हुई थी। ऐसे में नेपोलियन मिस्र में अपना सैनिक अभियान पूरा करके फ्रांस लौटे और देश को बचाने की कोशिशों में जुट गए। 1800 में सेना को पुनर्गठित कर नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया पर जीत हासिल की। 1802 में फ्रांसीसी कानून के एक नए व्यवस्था में उन्होंने नेपोलियन कोड लागू कर दिया। 1804 में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित किया और 1807 तक आते आते इस साम्राज्य का विस्तार उत्तर में एल्बे नदी से लेकर दक्षिण में इटली तक हुआ। 1812 में नेपोलियन को कुछ बड़ी हारों का सामना करना पड़ा था। रूस और स्पेन पर कब्जा करने की कोशिशों में नेपोलियन को करारी शिकस्त मिली थी। वहीं 1814 में एलाइड फोर्सेस से बुरी तरह हारने के बाद नेपोलियन को एल्बा के द्वीपों में जीवन गुजारना पड़ा। 1815 की शुरुआत में नेपोलियन फ्रांस चले गए और फिर से एक नई ग्रैंड आर्मी का गठन किया। इस आर्मी को शुरुआती दिनों में सफलता तो मिली, लेकिन वाटरलू की लड़ाई में एलाइड फोर्सेस से इसे मुंह की खानी पड़ी। आज ही के दिन 1988 में पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में बेनजीर भुट्टो ने कमान संभाली थी। वह दो बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन दोनों ही बार वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं। 1953 में पैदा हुई बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान में फांसी दे दी गई थी। प्रधानमंत्री रहते हुए बेनजीर भुट्टो के सेना के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे। उन्होंने पहली बार जब पाकिस्तान की बागडोर संभाली, उस वक्त भारत में उनके समकक्ष राजीव गांधी थे। राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो की वजह से दुनिया में दक्षिण एशिया की अच्छी पहचान बनी थी। अपने पहले कार्यकाल में भुट्टो 1.5 साल से कुछ ज्यादा प्रधानमंत्री पद पर रहीं, लेकिन 6 अगस्त 1990 को उन्हें अपदस्थ कर दिया गया। हालांकि 3 साल बाद 1993 में वह दोबारा पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। दूसरी बार भी वह 3 साल तक ही राज कर पाईं। 1999 में बेनजीर भुट्टो अपनी मर्जी से पाकिस्तान छोड़कर इंग्लैंड चली गईं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने जब 2008 में चुनाव कराने का ऐलान किया, तो 2007 में बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान लौट आईं। रावलपिंडी में एक चुनावी रैली के दौरान 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी। में आज ही के दिन बॉलीवुड के मशहूर हास्य अभिनेता देवेन वर्मा का निधन हुआ था। देवेन वर्मा अपने समय के जाने माने अभिनेता और दादा मुनि के नाम से मशहूर अशोक कुमार के दामाद थे। अशोक कुमार बीआर फिल्म्स और यशराज फिल्म्स के साथ काम करते थे और यही वजह थी कि देवेन वर्मा को फिल्मों में काम करने के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। 1961 में बीआर चोपड़ा के बैनर तले बनी फिल्म धर्मपुत्र से देवेन ने अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। फिल्म में देवेन का छोटा सा रोल था, जिस वजह से देवेन पर दर्शकों ने अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1964 में रिलीज हुई फिल्म सुहागन से इनके हुनर को पहचान मिली। गोलमाल, अंगूर, खट्टा मीठा, नास्तिक, रंग बिरंगी, चोरी मेरा काम, चोर के घर चोर आदि इनकी बेहतरीन फिल्में हैं। देवेन वर्मा बड़े पर्दे पर आखिरी बार 2003 में रिलीज हुई फिल्म कलकत्ता मेल में नजर आए थे। इस फिल्म में देवेन रानी मुखर्जी के दादाजी के किरदार में थे। देवेन वर्मा को 3 बार फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया है। दो दिसंबर भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाई थी। उन मृतकों को सम्मान देने और याद करने के लिए भारत में हर वर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में 2-3 दिसंबर की रात शहर में स्थित यूनियन कार्बाइड के रासायनिक संयंत्र से जहरीले रसायन के साथ साथ अन्य रसायनों के रिसाव के कारण हुई थी। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख से अधिक लोग इस हादसे का शिकार हुए थे। अगले 72 घंटों में लगभग 8,000 से 10,000 के करीब मौत हुई थी।
वहीं बाद में गैस त्रासदी से संबंधित बीमारियों की वजह से लगभग 25,000 लोगों की मौत हो गई थी। और 2 दिसंबर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में आज भी दास प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा जारी है और जानवरों की तरह इंसानों की खरीद फरोख्त की जाती है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि विश्व से दास प्रथा को जड़ से खत्म किया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव तस्करी और वैश्यवृत्ति को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाना तय किया गया।